हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं 11th क्लास की। तो इसमें आज हम पहली पोइम पढ़ेंगे, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। इसको लिखा है शैरली टलसन। ये कवियत्री हैं, पोइटेस हैं। ए फोटोग्राफ, जैसा कि टाइटल है, तो एक कोई फोटो है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो शैरली टलसन है, वो अपनी मम्मी का फोटो देख रही हैं और उन बातों को याद कर रही हैं जब वो अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। एक्चुअली अब उनकी मम्मी इस संसार में नहीं है, तो वो उनको फोटो के माध्यम से याद कर रही हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी निराश होते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि अपने दुख को डाइवर्ट करते हैं, तो हम कोई फोटो एल्बम देखना शुरू कर देते हैं या कोई सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये फोटो हैं जो वो हमें किसी ना किसी चीज़ से, हमें जो हमें टेंशन है उनको रिलीज करती हैं। तो एक फोटो कवित्री का है, कवित्री की मम्मी का है, जो इसमें बताया गया है। तीन स्टेजेस बताई हैं इसमें। द फर्स्ट स्टेज, पोइट्स मदर एंजॉयमेंट ऑफ सी हॉलीडेज। द सेकेंड, 20-30 years लेटर। एंड द लास्ट, द पोइटेस मदर यू नो हैड डाइड, वो मर चुकी हैं, उनको बहुत ही हैवी हार्ट से याद करती हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं फर्स्ट पोइम, फर्स्ट स्टेंजा। द कार्डबोर्ड शोज मी, जो एक कार्डबोर्ड बोलते हैं गत्ता, जिसपे फोटो लगा होता है ना, उसको बोलते हैं शोज मी हाउ इट वॉज, ये कैसा था। वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग पेडलिंग, जब दो लड़कियाँ, जो कजन लड़कियाँ थीं, वो गई हुई थी पेडलिंग, यानी कि नंगे पैर गई हुई थी। पेडलिंग में नंगे पैर मूविंग करते हैं, बेयर फुट मूविंग। तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड पे एक फोटो लगा हुआ है। फोटो में वो दिखा रही हैं कि किस तरह से जो उसके साथ जो दो कज़न लड़कियाँ थी, वो गई हुई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने, प्रत्येक ने मेरी मम्मी का हैंड होल्ड कर रखा था, यानी कि पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और देखो वह बड़ी लड़की, वो इशारा कर रही है, सी द बिग गर्ल, वह बड़ी लड़की, सम 12 years और सो, जो लगभग 12 साल के आसपास की होगी और थोड़ी बड़ी होगी। तो एक्चुअली सी द बिग गर्ल, तो बिग गर्ल है यहाँ पे, कवित्री अपनी मम्मी के बारे में बता रही है, कवित्री की मम्मी है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और सभी वहाँ पे मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे, है ना। और एट माई अंकल विद द कैमरा, देखो जब कैमरा, एक कोई अंकल है वो कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, तो सभी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के तीनों। ए स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा, प्यारा फेस, माई मदर्स, मेरी मम्मी का, डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब का है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि उसकी मम्मी जब उसकी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी, ये तब का फोटो है जब वो छोटी थी, 12-13 साल के आसपास की थी। एंड सी, और वो समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ऐसा लग रहा है जो कि चेंज्ड लेस है। देखो स्टूडेंट्स, वाटर का पानी वो का फोटो खींचोगे तो वो ऐसा ही लगता है, और वो आज भी ऐसा ही रहेगा, पानी का रूप बदलता नहीं है स्टूडेंट। इंसान बदल जाते हैं, इंसान चले जाते हैं, तो वैसे ही वॉश्ड, जो धो रहे हैं, देयर, उनके, टेरिबली, टेरिबली का मतलब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एनोर्मसली यानी अत्यधिक, ट्रांसिएंट मूविंग यानी चंचल, है ना। तो जो बहुत ही चंचल फुट हैं, चंचल फीट थे, अत्यधिक चंचल, जो मूविंग करने वाले फीट हैं, उन पैरों को वो धो रहा है। और ये पैर किसके हैं? उसकी मम्मी और दो कजन सिस्टर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह उस फोटो पर हंसा करती थी। सी बेटी एंड डॉली, जो दो कजन्स थी ना, ये उनके नेम हैं, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली। ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ द कजन ऑफ द पोइटेस मदर, द नेम ऑफ द कजन्स आर बेटी एंड डॉली। सिर्फ से वो अक्सर कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड, और देखो उन्होंने हमें किस तरह की ड्रेस पहनाई है फॉर द बीच। बीच बीच जानते हो ना, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे पर जाने के लिए उन्होंने हमें किस तरह की ड्रेस पहनाई है, वो उस पर ऐसा करती थी। द सी हॉलीडे, और उन सी हॉलीडे यानी कि सामुद्रिक छुट्टियों पे जब वो जाते थे, यानी मनाने के लिए वीकेंड में जब जाते थे, वाजर पास्ट, उसका पास्ट था, माइन इज, एक मिनट थोड़ा ऊपर चला गया है, लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वाजर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए उनकी खुशी अब वो ये पास्ट हो गया है। बहुत फ्राई, फ्राई का मतलब देखो तो डिस्टॉर्टेड, बहुत ही प्रसन्न
लेबर्ड मीन अननेचुरल। देखो अब वो मूवमेंट जो है दोनों बहुत ही दुखी क्या थे, अप्रिशन थे, वराई मीन डिस्टोर्टेड अप्रिशन, कि अप्राकृतिक रूप से अब उनका लॉस हो गया, यानी कि वो मूवमेंट अब नहीं रहे हैं, वो मूवमेंट चले गए हैं, अब वो मूवमेंट लौट करके नहीं आ सकते हैं, यानी कि जब जो टाइम बीत जाता है वो फिर वापस लौट करके नहीं आता है। इन द थर्ड स्टेंजा, नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज डेड गर्ल लिव्ड, और अब वो लड़की नहीं रही है जो लगभग उतने ही साल उसको मरे हो गए हैं जितने सब वो लड़की साल की थी। कितने साल की थी वो, ऊपर देखो जरा, सबसे फर्स्ट उसमें द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स हो, यानी कि 12 ईयर्स के आसपास उसकी मम्मी को डेड जो गए हो चुके हैं, उसको छोड़कर जा चुकी है संसार से। एंड ऑफ द सर्कमस्टांसिस, और अब इन परिस्थितियों में देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इट्स साइलेंट साइलेंसिस, अब यहाँ चुप्पी के अलावा मौनता के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, मौनता हमारी दुख की सबसे चरम अवस्था में होती है, जब हम दुख में चरम अवस्था में पहुँच जाते हैं तो सिर्फ मौनता रह जाती है, हम सिर्फ सोचते रहते हैं, मौन रहते हैं, बोलते किसी से कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कवयित्री अपनी मम्मी के बारे में सोचती है, कभी पहले उन बातों को देख करके हंसती थी, हम मुस्कुराती है, फिर सेकंड स्टेंजा में उसको देखती है किसकी मम्मी उससे किस तरह से बातें किया करती थी, थर्ड स्टेंजा में उसकी मम्मी वो अपनी मम्मी की जो जो वो जा चुकी है उन मूवमेंट्स को याद करती है, तो वो बिल्कुल चुप हो गई है। स्टूडेंट्स, सो आई होप ए फोटोग्राफ, आपको ये पोइम का नेम और पोएटेस का नेम लिखना है, ये 1 मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट्स, और पोइम आपको मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आई होगी, और जो भी अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये पोइम के क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना, थिंक इट आउट, लगभग 7 के आसपास क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको आई थिंक अपनी कॉपी में लिख लेना और समझ में आया होगा। थैंक यू।